हमको जल दे। अच्छा हाँ, कौन भेजा वो, कौन भेजा उसके अंग में? उसका भाभी है। क्या नाम है उसका? कांता देवी। हाँ कांता देवी। क्यों भेजा, क्या दुश्मनी से भेजा इसके अंग में? इसको खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, और इसके मरद के कमाई के बरकत भी उड़ा दे रहे थे। बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ जोर से। और क्या करना है इसको? बर्बाद कर देगा। हाँ, रिहाना को कब मारना है? अम्मास में, पूनम में? इसको मार डालेगा। कब? अम्मास में, पूनम में? हाँ कब मारने का है? जल्दी बोलो, तो टुकड़े कर दूंगा। हाँ क्या बोले थे? बीमारी बता कर मार दे बोले क्या? सुसाइड करा के मार बोले क्या? कमजोर करा के मार बोले? कैसा बोले? हाँ कैसा मारो बोले थे? हाँ जल्दी बोलो, तो आंख लगा दूंगा दोनों हाथों में तेरे। हाँ जल्दी बता। जादू चलाते वक्त रिहाना बेगम का क्या लेकर गए थे? बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा, क्या लिए थे? उसका कपड़ा लिया था। कौन सा कपड़ा? शर्ट का था, पैंट का था? हाँ कौन से कलर का शर्ट था? हाँ साई साई बोल। लाल, काला, पीला, नीला, कौन सा था? हरी कलर का। हाँ हरी कलर का। कितना टाइम होगा ले जाकर? हाँ जल्दी ना, तो हाथ जला दूंगा मैं। कितना टाइम होगा ले जाकर? हाँ जोर से जोर से। कितना वक्त हो रहा? कितने साल हो गए? कितने महीने हो रहे? कितना? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल होगा। और रिहाना बेगम को दवा किस चीज में मिलाकर खिलाए थे? उसको खाना में खिलाए थे। कौन सा खाना था वो? शादी का खाना। किसकी शादी थी वो? किसके शादी का? वो बगल वाले है ना, उसका लड़का। नाम किसके लड़का? उसके माँ का नाम लड़के के? अच्छा, और उसके शोहर को कैसे खिलाए? हाँ रिहाना के शोहर को कैसे खिलाए? उसको भी खाना में खिलाए। कौन सा खाना? हाँ कौन सा खाना? जल दे। सालन में डाल के दिया था। अच्छा कब दिए थे उसको? और उसको क्यों खिलाए? शोहर को क्यों खिलाए रिहाना के? वजह किस वजह से खिलाए? पहले से उसी को मारने चाहता है। अच्छा अच्छा, उसको मारने का था, फिर इसको मारने के लिए लग गए पीछे? हाँ खत्म करेगा पूरा परिवार को। दुश्मनी क्या है दुश्मनी? हाँ क्या दुश्मनी है? जल दे, आग लगाओ उसके अंदर, जकड़ो उसके हाथों को तेजी के साथ में। उन्हें जितना बोलने में लेट करेंगे उसको उतना जलाओ तेजी के साथ। हाँ क्या दुश्मनी है बोल, जल्दी बोल। हाँ क्या दुश्मनी है? हाँ दुश्मनी क्या थी? जमीन जायदाद की है? हाँ दुश्मनी क्या है? जलाओ उसके हाथ में भी, आग लगाओ तेज के साथ, आग लगाओ उसके हाथ में। बता जल्दी दुश्मनी क्या है? तो पूरा काट के भस्म कर देंगे तुझे। क्या दुश्मनी थी? जलाओ उसको तेज के साथ में। क्या दुश्मनी थी उसके मर्द की? उसको है ना पूरे जायदाद चाहिए। हाँ क्या? पूरी जायदाद चाहिए उसको, जमीन चाहिए। हाँ उस वास्ते पूरी जायदाद होना। जलाओ उसके चेहरे में तेजी से आग लगाओ। जलाओ छोड़ो मत उसको। वो दुपट्टा डालो बराबर। उसके बच्चों को भी मारने आ ले क्या रिहाना बेगम के? किसका? बच्चे का। अच्छा बच्ची का ऐसा क्या मारी उसकी? तुम लोगों ने जो मारे क्या?
कितना वक्त हो रहा? 5 साल पहले बच्ची का समारी वो किसी का भाभी मार डाला। हाँ, जादू करके। बच्ची पर कैसे जादू चलाए थे, क्या लेकर गए थे उसका जादू चलाते वक्त? पहले इसको पापा को मार डाला। हाँ, फिर? फिर बच्ची को। किसके पापा को मारा? क्या नाम था जिसको मारे थे उनका, जोर से बोल। हारून रशीद। उनको कैसा मारे? कैसा मारे उनको? खड़े रह गए। हाँ, कैसा मारे? जलाओ उसके हाथों में, आग लगाते रहो, तेज के साथ आग लगाओ। काट के ले लू दोनों हाथ वो? हाँ, काट के बाहर टांग दू दोनों हाथ? जल्दी बयान कर, हारून रशीद का क्या लेकर गए थे जादू चलाते वक्त? हाँ, क्या लिए थे? क्या लिए थे? जलाओ उसके हाथों में, तेज से आग लगाओ। हाँ, बयान कर जल्दी। हारून रशीद का क्या लिए थे जादू चलाते टाइम पे? हाँ, किस चीज में खिलाए थे? क्या खाना था वो? क्या था? और वो छोटी बच्ची को कैसा मारे? कैसा मारे? जोर से बोल, क्या कर रहे थे? कैसा खत्म किए? कैसा खत्म किए? पहला जितिया का दिन उसका। हाँ, चलान किया। हाँ, बच्ची का कुछ लेके थे क्या? कपड़ा, मट्टी, चप्पल, जादू चलाने के लिए क्या लिए थे? क्या लिए थे? वो बच्ची को कपड़ा काट के। कौन सा कपड़ा? काय का कपड़ा? शर्ट था, सलवार था, पैंट था, क्या था? जलाओ उस कुत्ते के साथ में, जल्दी बयान कर, मैं तो पूरा जला के राख करूंगा, जल्दी। हाँ, बच्ची का शर्ट कौन, क्या था? पैंट था, शर्ट था, क्या था? अबे इतना टाइम नहीं हमारे पास, कम वक्त, पूरा जला दूंगा। क्या था? क्यों इज्जत से पूछे, समझ में नहीं आ रहा? झगड़ो उसको तेजी के साथ, टुकड़े करो उसके तेजी के साथ, उसके हाथ में आग लगाओ। याद आया? याद आया कि पूरा जला दूं? छोटे बच्ची को क्यों मारे, उसका क्या दुश्मनी था? हाँ, इसको बर्बाद करना चाहते हैं, पूरा परिवार को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, सबको एक एक से मारने का है। अब वो बच्ची की बात किसकी मुद्दत बने वाली, अब किसको मारने वाले? हाँ, पहले उसका आदमी का था। आदमी का नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है? उसके बीवी को मारना चाहते। अच्छा, बीवी को, उसके बाद किसका नंबर है? उनको मालूम है। फिर बच्चों का है क्या? और तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से? जल्दी बोलो तो पूरा जला दूंगा। नहीं। हाँ, कहाँ से? कील मार दिया है। कील मार के? शमशान में मारा, कब्रस्तान में मारा? घर पे करता है। अच्छा, जादू कहाँ से चल रहा? रूम पे चला के। और तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान से आया तू, कब्रस्तान से आया वो, बोल कमीने। उसी का पास रहते हैं। अच्छा, उसके पास का है, ठीक है, सब नाला है, वो जकड़ लो, सताएगा दोबारा लोगों को। तोबा कर जल्दी, तोबा कर जल्दी, मुंह पे हाथ मार के, मुंह पे हाथ मार, दोनों हाथ मार मुंह पे वो, जल्दी। सुने आया कुछ? चल, तेरे दो टुकड़े कर देंगे, काट कर ले लो, काट कर मुंडी तेरी, टांग दो बाहर। जोर से बोल।
दोनों हाथ मुंह पे मार के तोबा कर, मार जल्दी मुंह पे दोनों हाथ। आ चलो इधर से लाके हम पानी दे, पानी दो गिलास में, पानी दो उठा करो वो गिलास में ना। ये जो दास्तान है ये कहीं से मुद्दत बने आई, मुद्दत जो बनकर कील मारते वो जो मसला है बयान कर रहा था उस हिसाब से। और दूसरी बात ऐसी है अहम के ये जो भी मसला चल रहा ये जादू बोने के थ्रू है, खुद को खुदा वाली कोई बला नहीं है और उन्हें बला छोड़कर एक एक से मारने लगा रहा। और पहले कुछ आल तो भी नाम लिया उन्हें देखो उसके अंदर है, उनको इंतकाल कर दिया होते हाँ हारून रचित तो कुछ नाम उनका इंतकाल कर दिया उसके बाद उनको भी कुछ साल लगने के कहने तो भी उसने बयान करा उसने रिकॉर्डिंग में खिलाया बोलकर। फिर उसके बाद उनकी छोटी बच्ची थी वो बच्ची को भी इंतकाल कर दिया 5 साल की उसकी, वो उसका भी कुछ भी जाकर जादू टोना करे वो लोगों ने क्यों कर रहे बोलते तो वो कुछ जायदाद की वगैरह कुछ दुश्मनी है जिसके भाई तो मेरे जबानी कुछ बयान नहीं कर रहा हूँ पूछाया। और जो बला ने तुमको जो शैतान शह जो भी उसके आंग में आकर पेशेंट के बयान करा वो एक्सप्लेन करा लूंगा उसने क्या बोला दमदम से जो बला तो सुनो आगे आगे सुनने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। और वो जो बला ने नाम ली करी वो क्या कुछ जायदाद प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड कुछ झगड़े चल रहे थे वो उनकी नीयत खराब है कोई हत्या लेना चाहते करते पूरा उनको कब्जा होना उसके ऊपर तो इसलिए उन्होंने जाना लेकर ही ऐसे तरीके से कब्जा करना चाह रहे कि बहुत गलत बात है। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और तुम ये क्या कर रहे जादूगरों अकल से अंधो बेवकूफों लोगों से तुम 2,000-5,000-10,000 जो भी तुम ले रहे होंगे एक्स वाई जेड मगर ये दुनिया की दौलत लेकर तुम आखिरत दूसरों की दुनिया बर्बाद कर दे रहे हो और खुद की आखिरत बर्बाद कर दे रहे। जिसके घर पे जादू टोना चल जाता उसके दिल से पूछो कि उसके घर में क्या आलम होता, क्या पहाड़ टूट जाता उसके ऊपर। तो कहीं पर भी गया, कहीं पर भी गया तो उसका निचोड़ उसका इलाज का हल होता नहीं। और दूसरी बात झूठे मूठे इलाज वाले उसको बर्बाद कर देते इंसान को और लास्ट में उसकी जान भी चले जाती। अब दो जान चले गए उन्हें बयान कर रहा तो क्या उन्होंने इलाज वालों के पास नहीं गए होंगे क्या? बहुत सारे गए होंगे, दवा गोलियां भी करे दुआ पानी भी करे मगर कोई ओरिजिनल उस्ताद के पास नहीं पहुंचे क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा। ओरिजिनल उस्ताद दुनिया के अंदर अल्लाह ने बहुत कम बिठाए वाले हटाने के लिए, बाकी शैतानी वसवसे जादू टोना चलाने वाले वो अलग रहते हो गंदे अमल करने वाले। और वो जो भी दास्तान है गंदे अमल करने वालों की उनका जादू टोना कोई बहुत बड़ा कोई ताकतवर चीज नहीं, अल्लाह वालों के सामने एक मामूली चीज है, मसल के फेंक दे सकते मगर हर चीज के अलग अलग तरीके रहते हो। दूसरी बात तुमको तो मिलना भी ना अल्लाह वालों का दर, तुम अल्लाह वालों के दर तक पहुंचे तक शैतान तुम्हारे कितने जाना ले लेता निकाल देता जिंदा क्या बर्बाद कर देता। जादू टोना इतने किस्म का है उसमें इतने अलग अलग वार है उसके अंदर इतने अजीब वगैरह खेल है। अल्लाह कुरान में भी फरमा देता सूरह बकरा के अंदर फरमाता बार बार फरमाता और कई जगहों पर जिक्र आया कुरान के अंदर जादू टोने का। ये फरमाता अल्लाह सूरह बकरा में कि वो लोग खराब है जो जादू टोना सीखते और सीख कर मियां बीवी में दरार डाल देते तलाखा कर देते फूट कर देते। जादू टोने से क्या नहीं होता, जादू टोने से हर वो चीज कर सकते हर वो दास्तान बोल के तो अल्लाह ने फरमा दिया कि उसके करीब मत जाओ और उससे जाकर एक दूसरे इंसानों को परेशान मत करो। हारूत और मारूत दो दुनिया में आए थे फरिश्ते, दुनिया में ये बोलकर आए थे उन्होंने कि इंसान जैसी इबादत करता या अल्लाह हम भी वैसी दुनिया में जाके इबादत करेंगे। हम हजारों साल से सजदे में रुकू में है कोई फरिश्ता तो मेरे रब तू हमारे सजदों को देखता नहीं, हमारे रुकू को देखता नहीं, हमारे नमाज को नहीं देखता और तेरा बंदा चंद लम्हों के लिए सजदे करता इबादत करता तो तू इतना खुश हो जाता कि देखो मेरे बंदे ने नमाज पढ़ा सजदा करा और फरिश्तों को तू बयान करता मेरे रब तो उसमें क्या है हम भी जमीन पे जाकर सजदे करेंगे उससे ज्यादा। तो अल्लाह ने कहा कि तुम में से कोई फरिश्तों को तैयार करो और जमीन पे भेजो देखो तुम जाकर नहीं कर सकते तुम इबादत, वो इंसान घर गृहस्थी में रहते हुए टाइम निकाल के मेरी इबादत करता इसलिए मुझे खुशी होती, तुमको क्या काम है तुम तो यहाँ सब बैठे आ ले खाली जो भी तुम्हारी ड्यूटी है इबादत कीजिए तुम्हारी ड्यूटी फिर मैं तुम्हारी इबादत क्यों देखूं उनकी इबादत देख के मैं खुश होता अल्लाह ने फरमा। तो उन्होंने बोले हम भी जमीन में जाके घर गृहस्थी में रहते हुए तेरी इबादत ज्यादा करेंगे, जब पहुंचे जमीन पर तो तुम में से दो को मुकर्रर कर दो। अल्लाह ने कहा हारूत और मारूत तैयार हो गए जमीन पर आकर वो करने के लिए घर गृहस्थी के साथ इबादत,
जब जमीन पर आए तो आने के बाद वो फरिश्ते थे, उनको बहुत ज्यादा इल्म था, तो उन्होंने क्या करे, धीरे धीरे फैसले देने लगे लोगों के अंदर। तो लोगों को उनके फैसले, उनकी काजियत, उनकी अदालत पसंद आने लगी कि वाकई में कितने अच्छे फैसले देते, ये कितना अच्छा, इनको ये सब इल्म है हर मामले का, अनुभव उसका। तो लोग उनसे जुड़ने लगे। अब लोगों को तो अल्लाह ने उनको इंसान बनाकर भेजा ना, उनको तो इंसान ही समझ रहे, और दिखने में खूबसूरत भी बहुत थे क्योंकि फरिश्ते थे हारूत और मारूत। अल्लाह कुरान में फरमाता ना सूरह बकरा में, उन्होंने पढ़ो ना हारूत और मारूत को हमने क्या करे, उल्टा टंगा दिए उनको। अल्लाह फरमाता उन दुनिया में जाकर जादू टोना सिखा दिए थे लोगों को। फिर हारूत और मारूत उसके बाद क्या करे, दोनों ने फैसले देने लगे। तो एक दिन एक मियाँ बीबी का झगड़ा है, एक औरत ही उसके पास में हारूत और मारूत का, बहुत खूबसूरत औरत थी वो। अब शैतान ने मार दिया एंट्री, अब शैतान का तो काम ही थे सबको बहकाना। अब क्या करा वो, उनका दिल इधर रुझू होने लगा वो औरत की तरफ, कुछ चक्कर कुछ अफेयर एक्स वाई जेड चलाने के लिए। तो बाद में क्या हो गया, वो औरत के चक्कर में उन्होंने पड़ गए, इबादत छोड़ दी। इबादत छोड़ने के बाद में धीरे धीरे बोलते इबादत कम होने लगी, वो औरत के चक्कर में ज्यादा गलबा होने लगा उनका। बाद में ऐसा हो गया कि शैतान वो औरत के पास पहुंचा भेज बदल के, और बोला कि जा वो जो दो है ना, वो जो हकीम जो फैसले दे रहे उनको बहुत इल्म है, जा उनसे पूछ ये कैसा करने का, जा उनसे पूछ वो कैसा करने का। ऐसा कर करके जादू के सारे राज निकाल लिया, और वो लिख कर पत्तों पे जो भी बाद में वो किताब बना के दुनिया में फैला दिया। फिर अल्लाह ने कहा कि हारूत और मारूत तुम्हारे दुनिया में भेजा था मैंने इबादत करने के लिए, कहाँ भटक गए, सब सिखा दिए थे उसको जादू टोने की चीजा भी, ये भी सब उलट पिलट गंदे अमल। तो इल्म बहुत था ना उनको, फरिश्तों को इल्म बहुत दिया था। उसके बाद में उनको दोनों को अल्लाह ने कहा कि तुमको मैं तुमको कहा था ना कि तुम इंसान के बराबर इबादत नहीं कर सकते, उन्हें जो घर गृहस्थी में रहते हो इबादत करता, मुझे उसकी वो इबादत पसंद है तुम्हारी, नहीं तो तुम तो वादा करके आए थे हम भी उसी इबादत करेंगे, कहाँ कर सके, तुम तो भटक गए पटरी से, चलो अब तुमको सजा दी जाएंगी, बताओ तुमको आखिरत में सजा होना कि अभी सजा होना। तो उन्होंने बोले कि या अल्लाह हम आखिरत की लामहदूद सजा नहीं भुगत सकते, इसलिए हमको अभी दुनिया में सजा दे दो ताकि हमको आखिरत में हमारे हम वो यहाँ की सजा काट के फिर हमारा कुछ अच्छा फैसला हम आखिरत में, ऐसी उन्होंने करे, इसलिए उनको उल्टा टांग दिया वाला। बाज उल्मा बताते हैं उनको उधर टांगे, कोई बताते हैं उनको चौथे आसमान पर टांगे वाला, वो किधर है वो तुम किताबों में सर्च करो तुमको पता चलेगा। मैं तुमको बता दिया एक दास्तान कि जादू टोना उन्होंने सिखा के दुनिया में ऐसा लाकर जिंदगियां सबके खराब, बहुत सारे हुए जादू टोने को। अल्लाह ने फरमा दिया कि जादू टोने के करीब मत जाओ, और तुम उसके करीब जाएंगे तो तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो हम में से नहीं है, दुनिया खरीद के आखिरत बेच दे रहे तुम लोग, बेगैरतो शर्म करो, तुम दुनिया बेच के आखिरत खरीदो तो तुम नफे में रहेंगे, मुनाफे में रहेंगे लामहदूद जिंदगी में, और तुम दुनिया के लालच में अगर आखिरत बेच दे रहे तो फिर तुम्हारा कुछ सही नहीं है, आखिरत भी गई दुनिया भी गई, सब बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इसलिए बेहतर है कि एक जिक्र व अज़कार का एक मामूल बनाओ, कोई भी एक जिक्र पढ़ो, वो जिक्र तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह तुमको महफूज रखेगा सारे वबाओं से, बलाओं से, आफतों से। और एक काम किया करो मोमिनों मुसलमानों, आज तुम्हारा सख्त जरूरत है इस जिक्र के करने की, एक तस्बीह लो और वो तस्बीह को पानी के प्याले के अंदर रखो, इतना प्याला लो उसके अंदर पानी भर दो और उसके अंदर तस्बीह लेके कम से कम 125 बार जोहर के नमाज के बाद या कौन से भी नमाज के बाद पढ़ो, मगर जोहर के बाद 125 बार पढ़ा करो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ये जालिम हुक्मरानों से, अल्लाह ये वर्ल्ड के अंदर जितने जालिम हुक्मरान है जो बेगुनाह और बेबस और मजबूर लोगों को सता रहे, इनसे पनाह दे, इनसे नजात दे, फिर देखो तुम्हारा रब कैसी को करता तुम पे, फिर ऐसी मदद भेजता गई मदद कि तुम्हारे अकल ना परेशान हो जाएंगे देखकर। पढ़ो, एक चैन बनाओ, एक सतली बनाओ, पूरे दुनिया के मजलूम लोगों मिलो और मिलकर एक चैन बनाओ, जोहर के बाद में हर जोहर के नमाज के बाद में तुम प्याले के अंदर एक पानी लो और वो पानी के अंदर तस्बी पकड़ो, पानी के अंदर हट डुबा के, और वो 125 बार पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। जितने भी जालिम आए इनके शर से, इनके वबाओं से, इनके आफतों से अल्लाह महफूज रख, और तू हमारे तरफ से बदला ले उनसे, फिर देखो उन्हें कैसा बदला लेता। शद्दाद, फिरौन, नमरूद, हामान का क्या हाल करा था, उससे बदतर इनके हाल करके बताता तुम्हारा। तुम मंगो तो सही उससे मदद, बोलो तो सही, उसके दर पर खटखटाओ तो सही, फिर देखो उन्हें कैसी मदद करता तुम्हारी। क्या मूसा को दरिया नील के पास छोड़ दिया था उन्होंने, क्या ईसा को उठाया नहीं आए वक्त में, क्या हर वक्त अल्लाह ने मदद नहीं करा, मांगे सबने मदद तो अल्लाह ने दिया, मतलब अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता। तुम तो हक पे है,
तुम मांगो फिर कैसी मदद आती है उसकी गैबी मदद देखो और कैसा ये जालिमा गर्क होके हलाक हो जाते वो भी देखो तुम। और सब एक चैन बनाओ एक सकली बनाओ सारे जालिमों से सारे आफतों से सारे दुनियाई आफतों से आसमानी आफतों से अल्लाह हमको नजात दे बोल के ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। जोहर के नमाज के बाद में शुरू में आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो और एक प्याले के अंदर पानी लो और उसमें तस्बीह डालो और उस वो पानी के अंदर सब पढ़ो और बाद में वो जो पानी है वो पानी कोई दरख्त को कोई आले को भी डाल सकते या उससे चेहरा भी धो सकते मतलब गिरना नहीं कहीं जाना नहीं सब चेहरे पे पोस सकते उससे ताकि तुम्हारे चेहरे पे भी नूर आ जाए और दूसरा पानी किसी को पी भी सकते बरकत वाला रहेगा और नहीं तो कोई झाड़ों को फसलों को डाल दो फसल भी अच्छी होगी उससे। और ये नियत करके पढ़ते रहो तो इससे आजाब नाजिल होके जालिमों के ऊपर सब गर्क और हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े रुतबात दिया था जालिम बादशाहों को बाद में जब आजाब में घेरा तो उनको कैसा जलील करके मारा ये भी तो सबको पता है ना। सजदा करके नमरूद को दाखिल होते थे सब नमरूद ने बोला अल्लाह से जंग करता बाद में ऐसा जलील करा उसको अल्लाह ने कि वो सजदे के रुतबे से हटा के उसको चौरस्ते उसका तख्त ला के रखे थे 10 जूते सिर पे मारना और फिर आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि मच्छर घूं घूं करता था सिर में और खामोश नहीं बढ़ता था इसलिए जब जूते से मारे तो खामोश हो जाता था। ये सब बातें हैं बहुत कुछ है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कौन से आए थे? प्रकार थे कलवापूर्ति कहाँ था ये महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट और तुम्हारा वो बिहार में कहाँ रहते अररिया डिस्ट्रिक्ट में और 5-6 दिन पहले हमसे लड़ गई ऊपर बैग रखा बैग गिरा दिया।